ये तीन चीज़ें भूलकर भी किसी को ना दें शाम के समय। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके लिए मुख्य जानकारी है, और वो ऐसी तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आपको शाम के समय किसी को भी नहीं देनी है, अन्यथा आपके देने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख संकट आ सकते हैं और लेने वाला भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की भूल हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े और बहुत बुरे परिणाम ला सकती है। इन परिणामों से बचने के लिए आपको ये सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं शाम का समय संध्याकाल के समय आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ों का समय हो जाता है, और ये अच्छी यानी कि पुण्य फल प्राप्ति का समय हो जाता है। संध्याकाल, जिसे गोधूली वेला भी कहते हैं, संध्याकाल जिस समय आप पूजा पाठ करते हो, संध्याकाल जिस समय आप पूजा अर्चना मंदिरों में ज्योति इत्यादि जलती है और कहीं ना कहीं आरती वगैरह होती है, और यही वो समय होता है जिस समय आपको शुभ चीज़ों को अपने पास रखना है, शुभ चीज़ों को आपको ग्रहण करना है, शुभ चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आना है, और ये समय कहीं आपके द्वारा किए गए दान पुण्य से कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत ले आ सकता है, और ये दान या फिर किसी को व्यवहार के रूप में भी देना आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, शाम के समय किसी को भी आप भूल कर भी दही ना दें। दही शाम के समय, अब शाम हो गई है या फिर आपको लगता है कि 8-9 बजे तक का समय हो गया, तब भी मत दें, क्योंकि शाम के समय ही माँ लक्ष्मी का एक भ्रमण होता है, और इस भ्रमण काल के समय अगर आप अपनी ही लक्ष्मी को किसी दूसरे को दोगे तो नुकसान कहीं ना कहीं आप अपना करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्ग कभी नहीं दिया करते थे, वो तो आजकल हम कहीं ना कहीं भूलवश ये काम कर बैठते हैं, इस कारण भूलवश भी हमें ये काम नहीं करना है, अन्यथा आपकी माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर आपका घर छोड़ के कहीं ना कहीं दूसरे के यहाँ जाकर विराजमान हो जाएंगे, और आप कभी भी ऐसा नहीं चाहते हो। शाम के समय क्यों दुकानदार लोग अपने गले में धूप इत्यादि देते हैं, अपने बही खातों में धूप देते हैं कि माँ लक्ष्मी को आप स्थान देते हो, विराजमान रहिए हमारे ही घर मकान दुकान में आप रहिए ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जो भी शाम के समय अपने घर से इस तरह से दही का दान करता है, उसके घर माँ लक्ष्मी कभी भी टिकती नहीं है, वो दूसरे के घर ही चली जाएंगी, क्योंकि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ माँ लक्ष्मी टिकते ही नहीं है। तो इसी तरह से ये सबसे पहली आपकी जल लिए जानकारी है जिसको आपने ध्यान में रखना ही रखना है। अब हम दूसरी बात करते हैं, वो होती है सरसों तेल को लेके। शाम के समय और ख़ासकर शनिवार का दिन हो, उस दिन आप कभी भी किसी को भी शाम के समय किसी के घर से भी सरसों तेल इत्यादि मत लीजिए। सरसों तेल, नारियल, बादाम और उड़द की दाल, ये कुछ चीज़ें हैं जो शाम के समय शनिवार के दिन आपको भूल के भी नहीं लेनी है, किसी के घर से मत लीजिए, वरना उसके घर की दुख दरिद्रता आपके ऊपर आएगी, आपके ऊपर परेशानी आएगी। हाँ, कई बार कहते हैं कि दाल मखनी खाने का दिल करता है तो होटल से तो आप खा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर किसी के यहाँ मत लीजिए। पहली बात तो शनिवार का दिन तो आप अवॉइड ही करिए कि आप शनि की चीज़ों को ग्रहण करें, जैसे कि आप दाल मखनी खाते हो, शराब का सेवन, और इसके अलावा सरसों तेल खरीद कर लाना, काले कपड़े खरीदना, नारियल खरीदना, ये कहीं ना कहीं शनि की चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप परहेज करिए, शनिवार का दिन आप अवॉइड करिए। खरीदना है तो खरीदिए, पर दान के लिए खरीदिए। दान यानी कि आप जाके शनि मंदिर में दान करेंगे, सरसों तेल जाके वहाँ दान करेंगे, सरसों तेल का दीपक आप पीपल के नीचे लगाओगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी और शनि देव की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। कहीं भी कभी आपका हित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से सब काम कर रहे होगे, तो बहुत सारी चीज़ें एक पश्चाताप के तहत उद्देश्य जब ये होता है कि हाँ मुझसे भूल चूक में गलती हुई है, महाराज हमें माफ़ करें, जब आप समर्पण भाव से सब कुछ करते हो तो सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों का निदान हो जाता है और अच्छी चीज़ें जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अलावा भी एक टिप आपको बता देता हूँ, आप किसी से भी शाम के समय भूल कर भी ये काम ना किया करें, किसी के जूते चप्पल ना तो पहने, जैसे घर के मेंबर के पहन सकते हैं आप, कई बारी आप रूममेट को रखते हो, कई बारी आप कहीं मान लो ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर बगल में आपके कोई और किराएदार हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति के जूते चप्पल पहनते हो जो खुद ही परेशान है और उसके जूते चप्पल आप पहन लेते हो, शाम के समय पहन के आप इधर उधर निकल गए, मार्केट निकल गए या कुछ भी घर में ही यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा काम भूल के मत करें, वरना आपके ऊपर कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां गल पड़ जाएंगी और उसकी परेशानियां आपको ऐसी लगेंगी कि आपका जीवन तो सही चल रहा होगा पर वो बिगड़ जाएगा। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं,
कहीं गए धर्मस्थल पर और उनकी चप्पल चोरी हो गई, जूता चोरी हो गया, तो नंगे पैर तो आएंगे नहीं, तो वो देखते हैं उधर अदर, अच्छा किसकी पड़ी है, उठा के वही पहन के चल पड़ते हैं और दुकान पर जाके नई खरीदते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। यानी कि पुरानी वाली सिर्फ कुछ समय के लिए पहनते हैं ताकि दुकान तक पहुँच जाए। और यही उनके लिए गलती है कि कभी भी धर्म स्थान से इस तरह से किसी के जूते चप्पल ना तो चोरी करें, ना ही किसी मुसीबत को टालने के लिए उसके जूते पहनकर या चप्पल पहनकर आप जाकर अपना कुछ काम करें, तो ये बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि उसके कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं दरिद्रता, दरिद्र जिसे कहते हैं ना, वो चढ़ जाता है, फिर इंसान हमेशा ही दुखी और दरिद्रता का ही जीवन व्यतीत करता है। अब तीसरी चीज़ है कि रात के समय कभी भी आपने कहीं से किसी के भी घर से खट्टा नहीं लेना है। खट्टा नींबू नहीं ले सकते हो, चाकू नहीं ले सकते हो, कैंची नहीं ले सकते हो, सुई नहीं ले सकते हो, कील नहीं ले सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेनी है, तीखी चीज़ें या फिर खटास वाली चीज़ें किसी के यहाँ से नहीं लेना। कोई आपको शाम के समय अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई कि हाँ भैया उसके घर से खट्टा ले आएँ, नींबू ले लें, सलाद बनाना है, कई लोग तो सलाद दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में परेशानी लाने का एक कारण बनता है। अब अगली चीज़ है नमक। नमक भी आपको किसी के घर से शाम के समय नहीं लेना है, और शनिवार और इतवार का दिन तो खास कर भूल कर भी किसी के यहाँ से नहीं लेना। अगर ले लिया तो उसके घर की परेशानियाँ आपके घर में आएंगी, उसके जीवन की परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी और घर कर जाएंगी। तो दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में बिठाइए। देखिए, कई बार छोटी छोटी गलतियों से ही कहीं ना कहीं जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, और इन परेशानियों का निदान छोटी छोटी गलतियों को सुधारने से ही हो जाता है। सुधारिए, देखिए आपका जीवन किस तरह से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बाकी मिलते हैं और इसी तरह से कुछ एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषीय टिप्स को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।